और ऋतिक जेउंगली, इट्स फैंटास्टिक, अमेजिंग, मजा आ रहा है। मैं 25-30 साल से इंडस्ट्री में हूँ, बट मैंने ऐसा लकड़बग्गा वाला सैफ अली खान नहीं देखा। और मैंने भी उगला हुआ ऋतिक नहीं देखा। सो क्या, बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। और बताओ तू कैसा है सैफ अली खान? मैं, मेरा सब सही चल रहा है, बॉयकॉट की देन है। हो अमेजिंग, फैंटास्टिक, मजा आ गया सुन के। इधर देख, इधर देख, बाइसेप्स बहुत अच्छा है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख ये बॉयकॉट वगैरह ना सब, यू शुड ऑलवेज इग्नोर इट। ये जब तुम अच्छा काम करते हो ना, ये सब अपने आप हट जाता है। सो डोंट एट ऑल वरी अबाउट दिस। यस, लाइफ में चिल करो। यस, बढ़िया। मैं कस कैसे ये मारा खजा, खच 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 खच, इट्स फैंटास्टिक, मजा आ गया। चलो चलो मिलते, ठीक है? पूरा घान कर दिया अपने ऋतिक की तो। चलो बाय। वाओ, हेलो गाइस एंड वैसेस, मैं सूरज कुमार एंड अभी मैंने देखा विक्रम वेदा का टीजर स्टारिंग ऋतिक रोशन एंड सैफ अली खान। अब आप लोगों को मालूम ही है कि भाई ये एक रीमेक है तमिल फिल्म जिसका नाम है विक्रम वेदा स्टारिंग आर माधवन एंड अपना विजय सेतुपति। अब देखो वो तो क्लास फिल्म है एंड काफ़ी पॉपुलर फिल्म है जो कि हिंदी डब में अवेलेबल भी है यूट्यूब पे एंड लगभग बहुत लोगों ने देखा है। एंड उसकी जो एंट्री सीन है विजय सेतुपति का, उसका जो क्लाइमेक्स है, BGM है, सबका सब अभी भी दिमाग में घूमता है। वो इतना नशीला फिल्म है एंड आप लोगों को मालूम ही है भाई तमिल सिनेमा कयामत सिनेमा यार, हर जॉनर में वो कयामत फिल्म बनाते ही बनाते। आप उनकी कमर्शियल फिल्म देख लो, थ्रिलर फिल्म देख लो, रोमांटिक फिल्म देख लो, सब में वो बाप है, सब में। इनफैक्ट रिसेंटली 3 फिल्म उनकी जो पॉपुलर हुई थी वो है रत्सासन, 96 एंड विक्रम वेदा। वो इतनी पॉपुलर हुई थी नॉर्थ में कि लोगों के मन में था कि भाई साउथ की फिल्म मतलब 96 तो मेरा फेवरेट फिल्म है, साउथ की फिल्म मतलब थ्रिलर में मेरा रत्सासन तो फेवरेट फिल्म है, साउथ की फिल्म मतलब विक्रम वेदा तो है ही है भाई। तो ये एक था एंड बाद में ऐसा लगता भी था कि यार ये सारे चीज़ों का रीमेक तो इम्पॉसिबल है भाई, रीमेक इसका करना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत स्पेशल फिल्म है। आपने देखा ही अभी रत्सासन तो रीमेक आ ही रहा है, अक्षय कुमार कर रहे हैं, 96 रीमेक भी अनाउंस हो ही गया है एंड अब विक्रम वेदा भी आ गया है। अब देखो वो तो यार आपको पता ही कि ओजी तो ओजी ही रहेगा, बाकी तो भौजी ही रहेगा, इतना आप लोग याद रखो। लेकिन यार जब आदमी टीजर देखा एंड ये चीज़ मैं बहुत पहले से भी बोलते आ रहा हूँ कि कोई फिल्म तोड़े या ना तोड़े लेकिन विक्रम वेदा का रीमेक सिनेमा फोड़ेगा, ये मैं लिख के देता हूँ। बिकॉज यू हैव ऋतिक रोशन एंड क्यों भाई स्पेशल है ये, वो बंदा आता नहीं है सीधा खाता है। अब ये टीजर देख लो यार, मैं एक चीज मुंह पे बोल सकता हूँ कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टर्स, 1 इज गुड लुकिंग एंड 2 इज ऋतिक रोशन। वो ऐसा बंदा है जिसपे तो लड़की छोड़ो लड़के भी फिदा है एंड एक मेरा मुंह देख लो, हमको देख लेता है कोई तो बोलता है साला डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन उसको देख लो एंड इस टीजर में देख लो, अरे कांड फाड़ दिया उसने, अरे कांड फाड़ दिया। आई थिंक दैट इज किलर। अकेले ने पूरा टीजर उछाड़ दिया राइट फ्रॉम द फर्स्ट पोस्टर। वो पोस्टर देख लो, लोग तरसते वैसा दिखने के लिए, लेकिन ये तो भाई चमकता रहता है हर फिल्म में। क्रेजी मैन, क्रेजी। एंड आज का टीजर जो मैंने देखा ना, वो कहते हैं ना कि अगर रीमेक ढंग का हो तो भाई पब्लिक एक्सेप्ट करेगी। रिसेंट एग्जांपल आप देखिए, देखिए कबीर सिंह जो कि ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म थी, 278 करोड़ क्रॉस किया, मतलब आप समझ रहे पब्लिक ने कैसा एक्सेप्ट किया था। एंड यहां पर भी वही वाइब है। ये तो मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा था कि भाई कोई भी फिल्म आए या ना आए लेकिन ये मां बहन एक कर देगा। एंड लुक एट द टीजर, इट वॉज बॉम बॉम। वो BGM जो स्टार्टिंग में डरावना चल रहा है फिर लास्ट में वो टहरा 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 टहरा, अरे रे रे, खतरनाक खतरनाक। अब इस टीजर में आपने देखा ही रहेगा सैफ अली खान तो कुछ बोल नहीं रहे, बिकॉज सैफ भी लाइक कि मैं कुछ भी बोल दूंगा मेरी फिल्म बॉयकॉट हो जाएगी, तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो शांत रहने पसंद कर रहे। लेकिन ऋतिक का झलक सबसे अलग, सबसे अलग। अरे कातिल, जस्ट लुक एट हिज आईज, इन एवरी फ्रेम हिज आईज आर लाइक कि यार नाक से गांजा फूक के, मतलब यार इतना किलर लग रहा है ना, इतना किलर, ऐसा लग रहा है कि कयामत मचा देगा यार। मतलब मैं डूब गया उसको देख के यार, वो खा डाला यार। ऋतिक रोशन की आंखें यार, मतलब यार आंखों में अंगार, पर्सनैलिटी भी दमदार और एक्टिंग जानदार। मैं ऐसे ही तारीफ नहीं करता यार, क्योंकि आप उनकी सारे फिल्में देख लो, फिल्म कैसी भी रहे बंदे का काम एकदम जानदार रहता है यार, एंड वो देखने सबसे ज्यादा मजा आता है। बस इस ट्रेलर में खाना हो गया, अब एक हाथ रमी खेला जाए। सॉरी यूट्यूब ऐड आ गया, चल चल चल, स्किप कर दो स्किप कर दो। बस मेरे को एक चीज थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि यार उनका वो जो सुपर 30 वाला जो एक्सेंट है ना, वो यहाँ पर वैसे ही साउंड करता है। आप देख लो टीजर के स्टार्टिंग में जो डायलॉग है, एक कहानी सुनाए फिर बाद में का डायलॉग देख लो, तो वो वैसा आपको फील कराता है। बट ये तो अभी टीजर है, झलक में आप कुछ नहीं बता पाओगे, लेकिन जब फिल्म आएगी, मार्क माई वर्ड,
सबसे बड़ी ओपनर रहेगी ये फिल्म, सबसे बड़ी। अभी देखना ट्रेलर आने दो, जो माहौल बनेगा ना आप देखते रहना। एंड तुम लोग बॉयकॉट का नारा लगा रहे हो, देखना एक घोड़े लगा देगा, देखते जाना तुम। वो बॉयकॉट वाले भी बोलेंगे ठीक है भाई मैं कल से बॉयकॉट करता हूँ, आज मैं पहले खुद देख के आता हूँ फिर बताता हूँ कि बॉयकॉट करे कि नहीं। देखना ऐसा होएगा चीज़ें, देख लेना। अब देखो जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म देखा उनको मालूम है कि उसमें क्लाइमेक्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड उसका गेम क्या था। आप सोचो वो चीज़ यहाँ पर क्या भाएगा, यहाँ के ऑडियंस को क्या ही खाएगा वो। एंड ऊपर से ऋतिक रोशन है, मतलब स्वैग, स्टाइल, एटीट्यूड, एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस एंड क्लाइमेक्स का वो ट्विस्ट माँ बहने कर देगा, देख रहा माँ बहने कर देगा, खत्म कर देगा। लेकिन इस टीजर के एंड में इंजन ऑयल का ऐड आता है, मेरे को तो वो समझा ही नहीं। और फिर बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि चलो भाई फिल्म नहीं चले कम से कम तेल बेच के पैसा तो कमा लेंगे। लेकिन ओवरऑल द टीजर इज धासू, अट्रैक्टिव, क्लासी एंड मजेदार। अब देखना ट्रेलर क्या कयामत है, फिल्म देखना बाप निकलेगा, बाप मैं लिख के देता हूं ये फाड़ेगा एंड देखना बिगेस्ट ओपनिंग बनेगा ये। सो ओवरऑल अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो इसको, वाओ ये भी बोल रहा है अभी, सब्सक्राइब कर दो यार, इतना भाव मत खाओ, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो। मिलते अगले वीडियो में, बाय, वाओ।